guys, how's it going? My name is Anupam Prajapati. For those of you who don't know me, and for those of you that do, hello, welcome back to my channel. Thanks for joining again. My last video was this ethnic haul video. It was amazing. It has got super affordable kurta sets. Sare ke sare was under ₹700 and they were amazing. Agar aapne nahi dekhi hai, zarur dekhiye. Main uska link upar cards mein add kar dungi. Aapko wahan video mil jayegi. Now coming on to our main content is jaisa ki maine aapko apni last product review haul video mein bataya tha that I'm adding a series jahan main kuch products ka review karne wali hu. So yeah, I'm adding another video to that series and aaj main review karne wali hu jis product का वो है द स्कूल मिंट हेयर ऑयल फ्रॉम वाओ. कुछ दिन पहले ही मुझे ये वाओ से रिसीव हुआ है. मैंने अभी तक इसको यूज़ नहीं किया है, आपके सामने ही यूज़ करूँगी एंड ये बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू होने वाला है, तो स्टे ट्यून्ड, पूरी वीडियो एंड तक देखना. ओके, सो दिस प्रोडक्ट कम्स विद दिस स्काई ब्लू पैकेजिंग एंड लेट मी ओपन दिस इन फ्रंट ऑफ यू. इसको खोलने पर ऐसा है, इसमें एक एप्लीकेटर मिलता है हमको एंड हियर इज द प्रोडक्ट. सकते हो हियर इज द मिंट ऑयल. अभी तक मैंने इसकी सील पैकेजिंग भी नहीं खोली हुई है आपके सामने ही. लेट मी ओपन इट. ओके, सो दिस इज द बॉटल इन ब्लू कलर. सी व्हाट डज दिस प्रोडक्ट क्लेम्स. फिर उसके बाद मैं शॉर्ट डेमो दूंगी और फिर अपना ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करूंगी आपसे. प्रोडक्ट का फुल नेम है वाओ कूल मिंट हेयर ऑयल. इट्स आईसी कूल इन्फ्यूजन ऑफ पेपरमिंट एंड मेंटोल क्रिस्टल्स विद कॉम्ब एप्लीकेटर. हेयर ऑयल इज फॉर्मुलेटेड इन यूएसए बट ट्रूली मेड इन इंडिया. इट्स 100% वीगन, ग्लूटेन फ्री एंड क्रुएल्टी फ्री. इट हैज नो मिनरल ऑयल, नो सिलिकॉन्स, नो सिंथेटिक फ्रेग्रेंस एंड इट्स अ प्योर कोल्ड कंप्रेस्ड ऑयल ब्लेंड. दिस हैज गॉट 99.9% प्लांट बेस्ड इंग्रीडियंट्स. गाइज, इट्स अमेजिंग. दिस सिंगल बॉटल ऑफ हेयर ऑयल हैज प्रॉपर्टीज ऑफ सो मेनी डिफरेंट ऑयल्स एंड इट्स एक्चुअली अ ब्लेंड ऑफ सो मेनी डिफरेंट ऑयल्स. माई डॉक्टर टोल्ड मी कभी भी सिर्फ एक ऑयल नहीं लगाना चाहिए अपने सिर में. यू शुड यूज डिफरेंट ऑयल्स और यू शुड मिक्स 2 to 3 ऑयल्स एंड अप्लाई इट. तो मैं क्या करती थी, मैं कैस्टर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल को मिक्स करके लगाती थी. बट दिस अमेजिंग, एक सिंगल बॉटल में मुझे सारे प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी बहुत सारे ऑयल के. दिस हेयर ऑयल हैज गॉट गुडनेस ऑफ पेपरमिंट ऑयल जो कि रिच होता है एंटी ऑक्सीडेंट, रोजमेरिक एसिड में, आयरन में एंड विटामिन ए में. इट्स गॉट मेंथॉल क्रिस्टल विच हैज गॉट कूलिंग इफेक्ट एंड प्योरीफाइंग प्रॉपर्टीज. इट हैज लेमन एसेंशियल ऑयल विच इज रिच इन विटामिन सी. सिर्फ इतना ही नहीं, दिस हैज गॉट एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल, स्वीट आमंड ऑयल, सनफ्लावर सीड ऑयल, कैस्टर ऑयल, मोरक्कन आर्गन ऑयल, कोकोनट ऑयल, विटामिन ई. सो इट्स अ ग्रेट थिंग. नाउ लेट्स सी हाउ टू यूज दिस वन. डेमो दिखाती हूँ मैं आपको. मैंने आपने किट लगा लिया है. वाओ, द फ्लो इज अमेजिंग. ओके, इट फील्स ग्रेट. इसका एप्लीकेटर इज ऑसम, बहुत ही अच्छा फ्लो है इसका. इसकी हेल्प से हेयर ऑयल लगाना बिल्कुल मेसी नहीं है. इट्स वेरी इजी टू यूज इट. Do you guys know why is it necessary to use hair oil? दादी नानी, पर दादी नानी के ज़माने से सबको पता है कि हेयर ऑयल आपके बालों को नरिश करता है एंड आपके बालों को स्ट्रॉन्ग बनाता है. हमेशा आपको अच्छे हेयर ऑयल का यूज़ करना चाहिए जो आपको सूट करे. एंड ऑयल को सिर्फ सिंपली अप्लाई नहीं करना चाहिए, आपको हमेशा जब भी आप हेयर ऑयल लगाएं आपको एक अच्छा मसाज ज़रूर देना चाहिए अपने बालों को. हेयर ऑयल में फैटी एसिड्स होते हैं जो कि आपके स्कैल्प के लिपिड्स को रिप्लेस करते हैं. इसकी वजह से हेयर थिनिंग नहीं होती, स्प्लिटेंस नहीं होते. रेगुलर हेयर मसाज करने से आपके हेड का ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से होता है. सिर्फ अपने रूट्स पे नहीं, अपने हेयर स्ट्रैंड्स पे भी ऑयल को लगाए फॉर दैट स्मूथनेस एंड टू प्रिवेंट दैट स्प्लिटेंस. कभी भी हेयर ऑयल अपने स्कैल्प पे एक दिन से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए. बट मेरी डॉक्टर ने तो मुझे सिर्फ 2.5 घंटे के लिए हेयर ऑयल रखने को बोला था अपने सिर में, बिकॉज माई स्किन इज एक्ने प्रोन एंड 2.5 घंटे इज एनफ फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑयल इन योर हेयर. तो यार, आप देख रहे हो मैं कितने अच्छे से मसाज कर रही हूँ. बिल्कुल ऐसे ही आपको अपने हेयर में मसाज देना है. जब भी सिर दुखता है तो कुछ लोग ठंडा तेल जैसे कि नवरत्न तेल लगाना पसंद करते हैं एंड रिलीफ से रिलीफ मिलता है. बट ऐसा सुनने में आता है कि उसको लगाने से आपके बाल पकते हैं. तो उसका भी रिप्लेसमेंट है ये हेयर ऑयल, बिकॉज इट हैज गॉट सो कूलिंग सेंसेशन, इट्स सो रिफ्रेशिंग बिकॉज इसमें मिंट है. आई जस्ट लव. ओके, सो आई एम डन विद द हेयर ऑयलिंग. नाउ लेट्स कम टू द कंक्लूजन. गाइस, आई जस्ट लव दिस प्रोडक्ट. इट्स अमेजिंग, इट्स सैटिस्फाइंग, इट्स सो रिलैक्सिंग. समर्स के लिए ये हेयर ऑयल इज बेस्ट बिकॉज इट हैज गॉट कूलिंग सेंसेशन. यू कैन सी इट्स नॉट एट ऑल ग्रीजी और स्टिकी, बहुत ही लाइट वेट है ये एंड यू कैन नरिशमेंट ऑफ सो मेनी डिफरेंट ऑयल्स एट अ टाइम विद दिस जस्ट सिंगल बॉटल ऑफ हेयर ऑयल, विच इज आई थिंक द बेस्ट थिंग. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इसका एप्लीकेशन इज सो इजी बिकॉज ऑफ दिस एप्लीकेटर. आपके कितने भी लंबे बाल हो, आप आराम से बिना किसी मेस के हेयर ऑयल को आप यूज़ कर सकते हो. इवन इफ जब ये ऑयल खत्म हो जाता है तो आप इसके एप्लीकेटर को, इसके बॉटल को संभाल के रख सकते हो एंड आप इसको किसी और यूज़ में भी ले सकते हो. इस प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ है 2 ईयर्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चर. इसका प्राइस इज 325 फॉर 100 ml. ये वाला प्रोडक्ट आपको फ्लिपकार्ट, अमेजोन, नायका पे आसानी से मिल जाएगा एंड आप इसको वाओ के ऑफिशियल वेबसाइट दैट्स बाय वाओ से भी बाय कर सकते हो डायरेक्टली फॉर ऑथेंटिक प्रोडक्ट. वैसे इसकी ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए यहाँ पे एक QR कोड भी दिया हुआ है जिसको आप
स्कैन करके इसका ऑथेंटिसिटी चेक कर सकते हो। फ्लिपकार्ट अमेजोन बाय वाओ के डायरेक्ट लिंक्स नीचे अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ डायरेक्टली बाय कर सकते हैं इनको। एंड गाइस जरूर इसको चेक करना, इट्स अमेजिंग, आई जस्ट लव दिस। ओके सो दिस वाज एंड ऑफ दिस रिव्यू वीडियो, होप यू गाइस लाइक इट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसे और भी कंटेंट देखने के लिए। एंड कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं मैं नेक्स्ट कौन से प्रोडक्ट का रिव्यू करूँ। ऑल्सो यू कैन जॉइन मी ऑन इंस्टाग्राम, माई इंस्टाग्राम हैंडल इज anu.2609। मैं इंस्टाग्राम पर अपने ऑल पॉसिबल लाइव अपडेट शेयर करती रहती हूँ, सो जॉइन मी देयर टू। चैनल में बहुत सारे होम डेकोर एंड क्लोथिंग हॉल के वीडियो किए हैं, यहाँ ये रहे कुछ, उनका लिंक आपको यहाँ कार्ड स्क्रीन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जरूर चेक करना। ओके सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।